माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इन्हीं छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने से हमें बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि ईश्वर हमारे भविष्य के बारे में हमें पहले ही आगाह करते हैं, और ऐसा छोटे छोटे संकेतों के जरिए होता है, जिसे हमें पहचानना आना ही चाहिए, ताकि अगर कुछ बुरा होने का संकेत मिले तो कुछ उपाय कर लिए जाएं, जिससे हानि ना हो, या अगर हानि होती है तो कम से कम हो। इसी तरह कुछ शुभ होने वाला हो तो इसके भी संकेत हमें ईश्वर अवश्य देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और आपको अथाह धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, सामान्यतः आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर चूहे टहलते रहते हैं। इसी तरह कई बार घरों में छछूंदर भी आ जाते हैं। छछूंदर अक्सर चूं चूं की आवाज़ करते हुए आते हैं, दिखाई पड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको घर में छछूंदर दिखाई पड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। आर्थिक रूप से आप समृद्ध होने वाले हैं। आप पहले से अधिक धनवान हो सकते हैं, बस आपको सही दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आपके घर में मोटे काले मकौड़े निकलते हैं, जिन्हें कहीं कहीं चींटे भी कहा जाता है, जो अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये काले चींटे अगर आपके घर में 2, 4, 5 की संख्या में टहलते रहते हो, घर में इधर से उधर जाते रहते हो, झुंड में ना हो, तो ये भी माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है। ऐसा होने पर आप अपने काम पर और अधिक मेहनत करना शुरू कर दें, आपको हर ओर से लाभ मिलेगा। दोस्तों, जब कभी कोई तोता अचानक कहीं से उड़कर आपके घर में आ जाता है और आप उसे देखते होंगे, तो आपको ज़रूर बहुत खुशी महसूस होती होगी। तो अगर कोई तोता इस तरह से आपके घर या छत पर आता है, तो थोड़ी देर बैठता है, घूमता है और फिर वापस उड़कर चला जाता है, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। ऐसा होने पर आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध होने वाले हैं। ऐसा ही संकेत छिपकलियों के द्वारा भी मिलता है। छिपकली अक्सर हमारे घरों में दीवारों पर रहती है और कई बार हमारे ऊपर भी छिपकली गिर जाती है, जिसके अलग अलग शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। तो अगर कोई छिपकली आपके मस्तक पर गिर जाती है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि अब कहीं ना कहीं से आपके जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी, तंग हाली, गरीबी और दरिद्रता समाप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। अगर कभी आपके हाथ के बीच के हिस्से, जिसे बाजू कहते हैं, वहाँ अगर फड़फड़ाहट होती है, तो आप ये मानकर चलिए कि अब आपको धन के आगमन का सही मार्ग मिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा स्त्रियों के बाएं बाजू पर और पुरुषों के लिए दाहिने बाजू पर होना शुभकारी माना जाता है। कई बार धन प्राप्ति और माता लक्ष्मी की हम पर प्रसन्नता का संकेत सपनों के माध्यम से भी मिलता है। अगर हमें सपने में कोई अर्थी
यानी कि सब यात्रा दिखती है या हमें अपने पितर दिखाई पड़ते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के सपने इस बात का संकेत हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं और अब आपके दुख दरिद्रता के दिन समाप्त होने वाले हैं। इसी तरह अगर कोई देवी देवता जैसे भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, भगवान विष्णु, हनुमान जी या अन्य कोई देवी देवता आपको सपने में दर्शन देते हैं तो ये संकेत है घर में सुख समृद्धि के आगमन का, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, आपके रुके हुए कामों के बनने का और आपका भाग्योदय होने वाला है। मतलब इसके बाद आप थोड़ी मेहनत और करेंगे तो परमात्मा आपका साथ देंगे और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आप सुबह सुबह उठें और कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाए और रंभाने लगे या आपको सुबह सुबह कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए अक्सर दिखने लगे, अगर आपको ऐसे संकेत मिलने लगे आपके साथ ऐसा हो तो समझ लीजिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं। ये संकेत हैं कि आप पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप कर्ज से मुक्त होने वाले हैं, आपको स्त्रियों के माध्यम से धन प्राप्त होगा और जीवन में ऐश्वर्य का बढ़ना निश्चित है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ऐसे में अगर आपको अक्सर अपने आसपास उल्लू दिखे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आप पर कृपा बरसाने वाली है। जहाँ जहाँ उल्लू होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर होती है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो माँ लक्ष्मी का जप करना शुरू कर दीजिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर वापस लौट जाएं। वैसे तो गधे को मूर्खता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गधा बहुत परिश्रमी होता है। तो अगर आपको घर से निकलते समय गधा दिखाई पड़े तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अब आपकी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है और आपको धन लाभ होने वाला है। तो ये थे कुछ संकेत जो माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर हमें मिलते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब आप परिश्रम करेंगे तभी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।